बड़वानी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी बाप ने मालवा निर्माण क्षेत्र की 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें जिला बड़वानी विधानसभा से आदिवासी समाज के उभरते हुए नेतृत्व बड़वानी जिला मुख्यालय में निवास करने वाले दीपक सेंगर को उम्मीदवार बनाया है, जो कि पूर्व में भाजपा सरकार की कार्यकर्ता के रूप में लगातार कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी समाज की उपेक्षा को देखते हुए उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी की ओर से युवा चेहरे को ध्यान रखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़वानी से दीपक सेंगर को युवा नेतृत्व ध्यान में रखते हुए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। युवा वर्ग में बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। वहीं राजपूत विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। रविंद्र चौहान भी राजपुर विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के बीच विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी खासी जमीनी पकड़ रखते हैं। आज जिला मुख्यालय बड़वानी में दोनों प्रत्याशियों का जिला अध्यक्ष नारायण भूरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा युवाओं के द्वारा स्वागत फूल मालाओं से जोरदार सत्कार किया गया है। इंदौर से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। रविंद्र चौहान रहते हैं? मैं जुलवाने देता हूँ प्रॉपर। मुझे राजपुर विधानसभा 188 क्रमांक से मिला है। कौन सी पार्टी से मिला? भारत आदिवासी पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह है ऑटो रिक्शा टेम्पो। ये संबंध में आपका तो क्या रणनीति रहेगी? हमारी ये रणनीति की जो ST SC OBC समाज में जो बढ़ते अत्याचार हो रहे हैं, हमारे राजपुर में अधिकतर देखने में आता है कि मंडी लगती है सुबह 5 बजे से, जिन्हें 200 रुपये दिहाड़ी मजदूरी मिलती है। सुबह से बच्चे परेशान रहते हैं, तो पढ़ाई लिखाई भी होनी थी समय पे जी। वो साथ ही जल भी, पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही विधानसभा क्षेत्र में हमारे। काफी दिनों से हम PHE मामले को लेकर बड़वानी में धरने पे बैठे थे, हमारे सभी सामाजिक संगठन मिलकर, पर अभी तक वो भी घोटाला में रहा है मामला PHE वाला। राजपुर क्षेत्र के अंदर जैसे पूर्व गृह जल मंत्री भी लड़ रहे हैं जी, अंतर सिंह पटेल भी भाजपा से लड़ रहे हैं जी, तो पुराना उनका राजनीतिक इतिहास जी, उनके सामने आप जो क्या रहेगा आपका? देखो, मैं 2015 से आदि संगठन में काम कर रहा हूँ, आज 8 वर्ष हो चुके हैं वो काम करते, जमीन स्तर पर मैं काम करता हूँ और समाज को लेकर अधिकतर 24 घंटे हम समाज के लिए लड़ते हैं निस्वार्थ भाव से। हम कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जो BJP और कांग्रेस के जो कैंडिडेट है ये लगातार हर वर्ष लड़ते हैं, क्यों ना इस बार राजपुर विधानसभा 188 में नया चेहरा उभर के विधानसभा में जाए और सामाजिक मुद्दों को लेकर वहाँ पे अपनी आवाज बुलंद करे। ये 4.5 साल तक घूमते रहते, पता नहीं रहता है कैंडिडेट उनका कि कहाँ पे क्या विधानसभा में हमने भ्रमण किया, क्या काम किया। हम सामाजिक साथी है और समाज के मुद्दों को लेकर काम करना चाहते हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम दीपक सेंगर, भारत आदिवासी पार्टी से अभी विधानसभा 190 से प्रत्याशी। रविंद्र जी चौहान विधानसभा। अब आपका पूछी गई कितने लोग यहाँ बड़वानी जिले से विधानसभा में? अभी बड़वानी जिले से 2 सीटों पे भी राजपुर और बड़वानी में विधानसभा की तैयारी करी है, बाकी सूची अभी जारी नहीं हुई। क्या प्राथमिकता रहेंगे? हमारे समाज की पार्टी की ये माँ, जैसे हमने कई नेताओं को चुन के भेजा है लोकसभा और विधानसभा में, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए पलायन जैसे मुद्दे हम देखते हैं आज तक बने हुए हैं, शिक्षा में और भ्रष्टाचार में सारे मुद्दे देश की तरह से उनको हम जो यहाँ की जो आवाज़ उठा के लेके जाने के लिए वहाँ रखने के विधानसभा में रखने के लिए बोलते हैं, वो कोई बात को माने जाकर उठाता नहीं है। ऐसे यहाँ के जमीनी मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ की आवाज़ बन के जाएंगे।